तो हेलो नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आप देख रहे हैं आप ही का अपना प्यारे विद पीसी यूट्यूब चैनल और मैं आपका साथी आपका दोस्त प्रीतम प्यारे। दोस्तों मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना यानी MMPSY, इस योजना में आपको पता है कि हरियाणा सरकार ने कहा था कि आपको 6,000 रुपए की राशि दी जाएगी। और दोस्तों 2020 में शुरुआत में जब रजिस्ट्रेशन किए गए उस समय आपको पैसे मिले भी हैं कुछ जो बेनिफिशरी हैं, यानी दोस्तों उनके 4,000 में से जो प्रीमियम राशि कटने के बाद यानी जो आपके बीमे की राशि कटने के बाद 4,000 रुपये के हिसाब से बचे पैसे आपको मिल गए थे, यानी 4,000 रुपये हरियाणा सरकार आपको देने वाली है 6 में से, यानी 4,000 देने वाली है। उसमें से आपके बीमे के पैसे काटकर आपको एक किस्त हरियाणा सरकार ने दे दी थी, चाहे वो 3,000 की हो 3,500 की हो, आपके बीमे काटकर बचे 2,000 वो हरियाणा सरकार ने बाद में नहीं दिए। और दोस्तों इसके बाद जब 2021 का साल आया यानी पिछले साल मई महीने में लगभग 14-15 तारीख को रजिस्ट्रेशन फिर से शुरू हुए और हरियाणा सरकार ने मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना में फिर से नए रजिस्ट्रेशन शुरू करवाए और कहा कि हम पैसे देंगे। लेकिन दोस्तों अभी तक भी मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना के पैसे नहीं डाले गए, बल्कि अभी केवल कुछ जो बेनिफिशियरी हैं जो रजिस्टर जिन्होंने पीएम किसान पर अपना जो रजिस्ट्रेशन करवाया था उसमें से कुछ बेनिफिशियरी हैं बहुत ही कम तादाद में, उनके जो बीमे वाले पैसे हैं वो अभी तक भेजे हैं, यानी 330 और 12 रुपये अभी तक वो डाले गए हैं। पिछले भी डाले थे और इस बार भी डाल दिए, यानी पिछले जो पिछले साल के जो डाले थे बीमे के पैसे वो जनवरी में आ गए थे इसी साल, और दोस्तों इस वाले जो कटे थे वो कुछ दिनों पहले ही डाल दिए थे मई में 25 के आसपास। तो दोस्तों वो चली बात हो गई, लेकिन सभी के वो पैसे भी अभी तक नहीं आए हैं, क्योंकि बहुत से ऐसे परिवार हैं जिनके 3 व्यक्ति हैं या 4 व्यक्ति हैं और उनके लगभग 1500 से 2,000 रुपए उनके बैंक अकाउंट से काटे जा रहे हैं, लेकिन अभी तक हरियाणा सरकार ने वह पैसा भी पे नहीं किया है, जिसके कारण बेनिफिशियरी समस्या में है और उनको समस्या का सामना करना पड़ रहा है। दोस्तों चिंता भी कर रहे हैं कि हमारी राशि कट रही है लेकिन सरकार नहीं दे रही, क्योंकि वह पैसे भी मिल जाएं तो भी दुख नहीं होगा। तो दोस्तों अब क्या है, अब अपडेट आई है न्यूज के माध्यम से कि हरियाणा सरकार केवल बीमे ही देगी, बची राशि नहीं देगी, चाहे आपके परिवार में कितने भी लोगों के बीमे हों वह हरियाणा सरकार पे कर देगी, लेकिन 6,000 में से बची राशि आपको बिल्कुल भी दोस्तों नहीं मिलने वाली है। दोस्तों आपको पता है जब मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना की शुरुआत में यानी लगभग 5-6 महीने पहले हरियाणा सरकार ने पहली बार जब बीमे की राशि भेजी थी, जब मुख्यमंत्री लाइव थे यानी जो हमारे सीएम हैं मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी वो लाइव थे और उन्होंने कहा था कि हम बीमे के पैसे भेज रहे हैं, लेकिन दोस्तों अचंभे की बात यह है कि उन्होंने तब भी यह नहीं कहा था कि हम बची राशि भी भेज देंगे। उन्होंने कहा था कि जो बीमे कटने हैं और भी जो स्कीमें कटनी हैं बीमे की वो उसमें से कट जाएगी। तो दोस्तों मुझे भी लगता है कि हरियाणा सरकार आगे के पैसे लगभग नहीं देगी, बल्कि जो भी आपकी स्कीम बीमे से संबंधित होगी वही इसमें से काटी जाएगी। और यही अखबार ने भी दिखाया है, न्यूज़पेपर ने भी बताया है कि हरियाणा सरकार बची राशि नहीं देगी बल्कि जो बीमे के पैसे हैं वही देने वाली है। दोस्तों इससे संबंधित कोई और अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूँगा। यानी दोस्तों स्पष्ट बात यह है कि आपके 6,000 रुपये नहीं आएंगे, बल्कि जो बीमे के पैसे हैं जो आप जितने भी आपके परिवार में बीमे होंगे 330 और 12 रुपये वाले वो आपको पे कर दिए जाएंगे हरियाणा सरकार द्वारा। और जो आपकी MMP जो आपकी वो है यानी आपकी पेंशन स्कीम, जो पेंशन स्कीम है मानधन स्कीम जो किसान वाली है और मजदूर वाली है वो हरियाणा सरकार पे करेगी, वो भी हरियाणा सरकार ने कहा था। तो धन्यवाद दोस्तों, अपडेट आती है तो मैं आपको ज़रूर सूचित करूंगा। दोस्तों अगर वीडियो में कोई कमी लगी हो तो उसके लिए मैं दिल से माफ़ी चाहता हूं, क्योंकि जानकारी मैंने आपके लिए इकट्ठी मैंने अपने अनुसार की है ताकि आपको आसानी से समझ में आ सके। दोस्तों
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी के बटन को दबा लेना ताकि जो भी मैं वीडियो डालूं उसका मैसेज आप तक पहुंच पाए। दोस्तों, अगर आपको मुख्यमंत्री परिवार समृद्धि योजना से संबंधित कोई जानकारी लेनी है तो आप कमेंट कर सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। जय जवान, जय हरियाणा, जय जवान, जय किसान। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।